दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर संसद को अच्छे से चलाएं। जनादेश जैसा भी हो हमें स्वीकार करना चाहिए। संसद सबका है, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है। और चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने एनडीए दल के साथ तालमेल करते हुए 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन एनडीए को पूरा बहुमत मिला। अब चुनाव हो चुके हैं और संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष के कंधों पर है। लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता भी उतनी ही बढ़ेगी। देखिए, ये पहला सत्र 18वीं लोकसभा का हमारे कैबिनेट का निर्णय के बाद राष्ट्रपति जी ने समन किया है 24 जून से, और ये परंपरागत जैसे होते हैं पहले से, सबसे पहले मेंबर्स का ओथ होगा नए चुने हुए सदस्यों का, फिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा। तो इसमें क्योंकि ये पहला सत्र है और मैं नए नए संसदीय कार्य मंत्री बने हैं, मैं चाहता हूं कि हम मिल करके संसद को बहुत अच्छी तरह से चलाएं। और जैसे भी मैंने पहले कहा है कि भारत के महान जनता ने अपना निर्देश दे दिया है, फैसला सुनाया है, और जनादेश जैसे होता है हमको स्वीकार करना है। हमारे पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत दे करके फिर से देश का संचालन करने का मौका दिया है, और हमारे बाकी विपक्ष के पार्टियों को विपक्ष में बैठ करके एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए देश का निर्देश है। तो सबका बराबर योगदान होता है, पार्लियामेंट अकेला कोई चला नहीं सकता, सब मिल करके चलाना होता है। और जैसे आपने जो कही है कि विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि सरकार को ठीक से चलने नहीं देंगे, पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। पार्लियामेंट सबका है, ये पक्ष विपक्ष नहीं है, ये भारत का संसद है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ये देश का सबसे बड़ा पंचायत है। और यहाँ संख्या बल पर हम एक दूसरे को कुचलने का, दबाने का बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चुनाव से पहले हमारे पार्टी ने एनडीए दल के पूरा तालमेल करके 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बहुमत एनडीए को मिला है। उसी प्रकार से जो विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि लिख के रखो 4 तारीख में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी जी जा रहे हैं, इस तरह का वो चुनाव के लिए नारा जरूर लगाया, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुनाया, मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब जब चुनाव हो गए हैं, अब देश का संचालन का बागडोर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार को दिया है, लेकिन पार्लियामेंट को चलाना, संसद को चलाना, ये पक्ष विपक्ष, ऑपोजिशन रूलिंग, दोनों मिलकर ही चलाना होगा। और अच्छा बहस हो, डिबेट एंड डिस्कशन डेमोक्रेसी का कोर, हमारा एक अहम चीज है, जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। जितना ज्यादा बहस होगा, जितना अच्छा चर्चा होगा लोकसभा राज्यसभा में, उतना ही बिल का क्वालिटी बढ़ता है, उतना ही सरकार अलर्ट होता है और देशवासियों को अच्छा लगता है। इसलिए पूरा देश देख रहा है ये 18th लोकसभा जो है कैसे चलेंगे, देश देख रहा है। इसलिए अच्छा डिबेट और डिस्कशन करके हर सदस्य ये प्रूव करे कि उसको मेंबर बनाया पार्लियामेंट में, वो जनता ने सही फैसला दिया है, ये लोगों को महसूस होना चाहिए। हम पार्लियामेंट में घुस करके सिर्फ हंगामा करेंगे और डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हमारे जनता ही पूछेंगे कि आपको पार्लियामेंट में किस लिए भेजा है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि विपक्ष के साथियों का पूरा समर्थन मिलेगा और पार्लियामेंट किसी एक का नहीं, इसलिए सब साथ देंगे। मेरा उम्मीद है मैं सबसे भी मिलूंगा और प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र को हम पहले से मानते आए हैं, आगे भी उसी मंत्र से